आपको पता होगा कि जब भी फ़ोन थोड़ा प्रॉब्लम करने लग जाता है, डिस्प्ले कभी कभी रुक जाती है, काम करना बंद कर देते हैं, बिकॉज वो सब होता है कि आपके जो पुराने ऐप्स ओपन है उस वजह से थोड़ा फ़ोन प्रॉब्लम करने लगता है और आपका फ़ोन फुल भी हो जाता है। तो आपने सुना होगा कि रैम क्लियर करते हैं हम एंड्रॉयड फ़ोन में, तो आईफोन में भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक क्या बताती हूँ, तो आपने एक्सेसिव टच वाला तो वीडियो देख ही रखा होगा, तो हमें एक्सेसिव टच बाहर चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जाएंगे एक्सेसिबिलिटी में, जो कि ये रही, उसके बाद में जाएंगे टच में और टच को ऑन कर देंगे तो होम बटन आ जाएगा। होम बटन की अभी हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम अप की प्रेस करेंगे, फिर वॉल्यूम डाउन, उसके बाद में पावर की को होल्ड करके रखेंगे। अब इस सिचुएशन पे आने के बाद में हमें क्या करना है, होम की को टैप करके रखना है। तो आप बैकग्राउंड में देखिएगा आपकी जो भी ऐप चल रही है वो रिफ़्रेश हो जाएगी। ये देखिए रिफ़्रेश हो गया apple.com। इससे पहले मैं यहाँ ये पढ़ रही थी, बट ये रिफ़्रेश हो गया। तो आप टाइम टू टाइम अपनी रैम क्लियर करते रहें फ़ोन की, क्योंकि हम सिर्फ रिसेंट ऐप्स ही क्लियर करते हैं। रैम भी क्लियर करना थोड़ा ज़रूरी होता है, रिसेंट ऐप्स तो आपको पता ही ऐसे क्लियर होती है, तो रैम भी क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो भी करते रहें। थैंक यू।